मैंने 2008 में वेटरनरी मेडिसिन में ग्रेजुएशन कंप्लीट की, उसके बाद कंट्रैक्ट बेस एक सरकारी जॉब की है वेटरनरी ऑफिसर की। साइलेज एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसके बगैर एक डेयरी फार्म प्रॉफिट में नहीं जा सकता। साइलेज होगी तो डेयरी फार्मर अपने फार्म को प्रॉफिट में लेके जा सकता है, अदरवाइज वो सोच भी नहीं सकता कि साइलेज के बगैर उसका फार्म उसको प्रॉफिट दे सकता है। फार्मर्स को बहुत ज़्यादा मुश्किल थी कि उनके पास साइलेज मेकिंग की मशीनरी चूँकि बहुत महंगी थी, हर बंदे के पास अवेलेबल नहीं थी, और मशीनरी की अनअवेलेबिलिटी की वजह से बहुत सारे फार्मर साइलेज नहीं बना सकते थे। 2013 में मैंने 45 एकड़ से स्टार्ट किया था, तो वो मतलब ज़्यादा अरसा नहीं लगा, मतलब अक्टूबर नवंबर में मैंने उसकी प्रोडक्शन की है, तो वो फरवरी मार्च में मेरी सारी 45 एकड़ की जो फर्स्ट टाइम क्रॉप थी, प्रोडक्शन थी, वो सारी जो है ना वो सेल आउट हो गई। लेकिन वो मैं समझ रहा था कि वो मेरी बहुत बड़ी एफर्ट है, क्योंकि मेरे इलाके में लोग साइलेज को समझते नहीं थे, साइलेज का नाम लोगों ने पहली दफ़ा सुना था। जैसे मतलब पहले साल में हमने 45 एकड़ किए थे, फिर मतलब 200 एकड़ पे, अभी हमारा को 1000 एकड़ का प्लान है 2017 का। डे बाई डे इसकी डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, और अभी इसी ईयर और 2016 के एंड पे और 2017 के स्टार्ट में जो प्रोडक्शन हुई है, ये तो हमसे स्टॉक हो ही नहीं सकी। जैसे जैसे प्रोडक्शन हुई है सारी वो मतलब एट द स्पॉट ही सेल हो गई। लोगों को इसकी अवेयरनेस आ रही है कि साइलेज इस्तेमाल करने से प्रोडक्शन पे क्या असर आ रहा है, दूध कैसे बढ़ रहा है, और जो गोश्त वाले जानवर हैं उनका गोश्त कैसे इंक्रीज़ हो रहा है। स्टार्ट में जिस वक्त हमने मतलब फीमेल्स को अपने साथ अटैच करने का सोचा ना जी, उस वक्त सोसाइटी से हमें बहुत सारे मसले मसाइल, बहुत सारी मुखालफत सामने आई, लेकिन हमने फिर हौसला किया। जिन औरतों को हम पहले कोई सिलाई मशीन या इस तरह के काम करवा रहे थे और वो फिर उसको सस्टेन नहीं कर सके, उन लोगों को ही हमने अवेयरनेस दी कि आप अगर ये काम करोगे तो हम इसको सस्टेन, इस बिज़नेस को सस्टेन करने में भी आपकी हेल्प कर सकते हैं।